बड़ी खबर, कल नितिन गडकरी ने नाना को क्या कह दिया कि वो चुनाव लड़े मेरा आशीर्वाद साथ है। इस बात को सुनकर नाना पटोले फूले नहीं समा रहे हैं। आज नागपुर शहर के हर छोटे बड़े अखबार में नाना ने बढ़ चढ़ कर कहा कि नितिन गडकरी का मुझे इस चुनाव में आशीर्वाद मिल गया है। देखा जाए तो यह बयान नितिन गडकरी ने जो दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि नाना पटोले मेरे पार्टी में रहते हुए भी मेरे मित्र हैं और वे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी मेरे मित्र हैं और मेरा आशीर्वाद साथ है। इस बयान के पीछे की कहानी तो कुछ और है। गडकरी जी ने बड़ापन लेते हुए कहा कि जिस थाली में नाना ने खाया है उसी में छेद किया, ऐसा बयान एक मतलब निकलता है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि भाजपा में नितिन गडकरी जी ने ही नाना पटोले को लिया था और भाजपा के विधायक के तौर पे 5 साल और भाजपा के सांसद के तौर पर 4.5 साल का VIP का काल भी इन्होंने गडकरी के भरोसे भोगा है। गोनिया भंडारा लोकसभा के सांसद रहते समय नाना पटोले के विकासात्मक कार्य या इनके स्थानीय विकास निधि का कामकाज का लेखा जोखा 6.5% ही देखने को आया। इसी दौरान गोंदिया के कुछ ठेकेदारों को लेकर इन्होंने विकासात्मक कार्य का विपुल तो बजाया था, लेकिन क्या वो विकासात्मक काम का जनता को मिल पाया है, यह है नाना का सच। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए।